सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मैच जल्द से जल्द शुरू हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पहले दिन का खेल तो रद्द हो चुका है, लेकिन बारिश के कारण क्या दूसरे दिन का खेल शुरू हो पाएगा और शुरू होगा तो कितने बजे, या फिर ये मैच कहीं रद्द तो नहीं हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में तो मिलेंगे ही, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, बाईसीसी को एक महीने पहले पता था कि यहां पर बारिश होगी तो क्या मुकाबला कहीं और होना चाहिए था या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टेस्ट फॉर्मेट का पहला आईसीसी का टूर्नामेंट यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का टूर्नामेंट के पहले दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया। दो साल से सारी टीमें इस फाइनल तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी, तब जाके भारत और न्यूजीलैंड की टीम अपनी मेहनत के बलबूते पर इतने बड़े फाइनल में पहुंच पाई। लेकिन आईसीसी की मैनेजमेंट इतनी ज्यादा पुअर रही कि फाइनल शुरू होता उससे पहले ही मैदान में बारिश ने अपनी दस्तक दे दी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का ये अहम टूर्नामेंट लॉर्ड्स के मैदान में होना था, लेकिन अचानक से उस मैदान को हटाकर साउथैम्पटन के मैदान को चुना गया और इसकी वजह बताई गई कोरोना वायरस के डर के चलते, क्योंकि दोस्तों साउथैम्पटन के मैदान से जुड़ा है हिल्टन होटल जहां पे सभी खिलाड़ी रह रहे थे और वहीं प्रैक्टिस भी कर रहे थे। ऐसे में आईसीसी के लिए खिलाड़ियों को मैनेज करना बहुत ही आसान होता, तो वही लॉर्ड्स में किसी न किसी खिलाड़ी के कोरोना संक्रमित होने का डर था। आसान रास्ता देखते हुए आईसीसी ने दोस्तों साउथैम्पटन का मैदान चुना, बशर्ते इस बात को जानते हुए कि टूर्नामेंट के टाइम पर बारिश होने के आसार हैं और वेदर फोरकास्ट पहले इस बात के लिए इन्फॉर्म कर चुका है। लेकिन इस खबर के बावजूद दोस्तों साउथैम्पटन के मैदान में ही मैच को कराया गया और आज 18 जून को मैदान में इतनी तगड़ी बारिश हुई कि खेलना तो दूर की बात बल्कि टॉस भी नहीं हो सका। और बारिश अब तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैदान का ड्रेनेज सिस्टम भी जवाब दे चुका है, जिसके चलते अंपायर्स ने पहले दिन के खेल को रद्द करने का फैसला सुना दिया, जिसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं फैंस में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और आक्रोश की लहर उनके अंदर दौड़ गई है और वो आईसीसी को गालियां भी सुना रहे हैं। आखिरकार उनकी मैनेजमेंट इतनी ज्यादा पुअर कैसे हो सकती है? आपको याद हो तो भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में वर्ल्ड कप 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खैर दोस्तों ये तो कहानी थी पहले दिन के खेल की, अब बात करते हैं कि दूसरे दिन का खेल होगा भी तो कब शुरू होगा। देखिए दोस्तों वेदर फोरकास्ट के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक साउथैम्पटन के मैदान में लगातार बारिश है, तो अगर मैच शुरू हो भी जाता है तो उसमें लगातार बारिश खलल डालती रहेगी और मैच में डिले होते रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर दूसरे दिन के खेल का अनुमान लगाया जाए तो वेदर फोरकास्ट के अनुसार तो वो भी अपने समय के आधार पर नहीं शुरू होगा, क्योंकि दोस्तों 3 से 4 बजे तक भारी बारिश हो सकती है साउथैम्पटन के मैदान में और अगर 4:30 बजे तक टॉस हुआ तो लगभग 5 बजे जाकर कहीं मैच शुरू होगा दूसरे दिन के खेल में भी। ऐसे में दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन कराने वाली संस्था आईसीसी के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट के लिए एक अलग ही उत्साह होता है, खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आपकी छोटी सी गलती की वजह से पूरा टूर्नामेंट ही रद्द होने के कगार पर आ जाए तो कहीं ना कहीं आप ही गलत हैं। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या मुकाबले को साउथैम्पटन की जगह लॉर्ड में कराना चाहिए था या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच इससे पहले कि शुरू होता मैदान में बारिश ने ऐसी खलल डाल दी कि पहले सेशन तक तो मैच ही नहीं होगा। उससे भी ज्यादा बुरी खबर तो ये है कि लगभग पूरे मैच के दौरान बारिश रहेगी, ऐसे में मैच रद्द भी हो सकता है। लेकिन मैच रद्द होने के बावजूद कैसे भारतीय क्रिकेट टीम विजेता बन सकती है वो सब तो आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत न्यूजीलैंड? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 18 जून यानी कि आज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होने जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि दोनों टीमों के कप्तान मैदान में आकर टॉस करते बारिश इतनी जोरों शोरों से हो रही है कि मैदान में कोई खड़ा भी नहीं रह सकता। इस बात का सबूत खुद पेश किया है अश्विन की वाइफ प्रीति नारायण ने। दोस्तों उन्होंने ट्विटर पर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया है जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब आपने ये वीडियो तो देख ही लिया होगा, वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैदान में इतनी जोरों से बारिश हो रही है कि कोई भी प्लेयर कैसे खेल सकता है। और जाहिर सी बात है कि इसी बारिश की वजह से 3:30 बजे शुरू होने वाला खेल जो कि 3 बजे शुरू किया गया वो भी नहीं शुरू हो सका। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब साउथैम्पटन के मैदान में बारिश होनी है ये सब कुछ आईसीसी को पता था, उसके बावजूद यही मैदान क्यों सिलेक्ट किया गया? खैर दोस्तों उस बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं मैच के टाइमिंग्स को लेकर। बारिश के ही डर से लेकर मैच को 3:30 बजे से 3 बजे
शिफ्ट किया गया। सबको ऐसा लग रहा था कि चाहे थोड़ी बारिश हो लेकिन खेल तो शुरू हो ही जाएगा, परंतु साउथहैम्पटन के मैदान में बारिश इतनी जोरों शोरों से हो रही है कि खेल शुरू होना तो दूर, मैदान में टॉस भी नहीं हो सका। आपको यह भी बता दें कि वेदर रिपोर्ट्स के अनुसार जितना अनुमान बारिश का लगाया जा रहा था उससे दोगुना बारिश हुई है। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम को भी काम करने में समय लगेगा, जिसके चलते पहले सेशन का क्रिकेट पूरी तरीके से रद्द हो गया। मतलब कि टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल का पहला सेशन तो होगा ही नहीं, टॉस भी दूसरे सेशन में होगा। दोस्तों पहला सेशन लगभग 2.5 घंटे का होता है और मैच अब 5:30 बजे भी नहीं बल्कि 6 बजे तक शुरू हो सकता है। अब दोस्तों आपको ये बता दें कि वैसे तो बारिश ने शुरुआती दौर से ही मैच में अपना रूप दिखा दिया है और वेदर फोरकास्ट के अनुसार अगर ये मैच में बारिश होती है और मैच रद्द करना पड़ जाता है तो दोनों ही टीमें इक्वली विजेता घोषित करी जाएंगी। मतलब कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जितनी विजेता न्यूजीलैंड की टीम होगी उतनी ही भारतीय टीम भी होगी, क्योंकि भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया है, ऐसे में वही विश्व विजेता कहलाएगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, अगर भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच ये मैच खेला जाता है तो कौन सी टीम विजेता बनेगी, भारत या न्यूजीलैंड, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के टॉस से पहले मैदान में भारी बारिश हो चुकी है, जिसके बाद अब मैच की टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। और आखिरकार कब होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का टॉस और कब शुरू होगा मैच, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जब आईसीसी को पता था 1 महीने पहले कि इस मैदान में बारिश होगी तो उन्हें मुकाबला कहीं और कराना चाहिए था या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून यानी कि आज से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के मैदान से शुरू होना था। पहले इस मुकाबले का समय 2:30 बजे रखा गया। मुकाबले के फाइनलिस्ट भारत और न्यूजीलैंड बने हैं, जहां भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पछाड़कर फाइनल में पहुंची है, तो वही न्यूजीलैंड की टीम ने भी एक से बढ़कर एक टीम को हराया है और फाइनल में जगह हासिल करी। और क्योंकि आईसीसी द्वारा कराया गया आयोजित ये टेस्ट फॉर्मेट का अब तक का पहला वर्ल्ड टूर्नामेंट है तो खास तो होना ही है। लेकिन अब इस खास मुकाबले में खलल बन चुकी है मैदानी बारिश। दोस्तों कहते हैं कि इंग्लैंड में बेमौसम बरसात हो जाती है और कुछ ऐसा ही साउथहैम्पटन मैदान के साथ होता रहा है। इतिहास गवाह है कि यहां पर भी कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन इस बार तो बीसीसीआई व आईसीसी जैसी अथॉरिटीज को पहले से ही पता था कि इस मैदान में मैच के समय पर बारिश हो सकती है, फिर भी मैच इसी मैदान में आयोजित कराया गया क्योंकि दोस्तों इस मैदान के पास ही होटल है और क्वारंटाइन के रूल के हिसाब से यह सबसे सटीक भी है। लेकिन जिसका डर था फिर वही हुआ, मैदान में इतनी जोरों से बारिश होने लगी है कि अब पूरा खेल ही बिगड़ चुका है। सबसे पहले तो दोस्तों जो टॉस 3:30 बजे होना था वो बारिश के डर के चलते एक दिन पहले ही 3 बजे कर दिया गया, लेकिन 3 बजे भी जमकर बारिश होने लगी। इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भी इस बात की अपडेट दी है, उन्होंने तो बताया कि मैदान के इर्द गिर्द जमकर बारिश हो रही है, जिसके बाद दोस्तों बीसीसीआई की तरफ से अब एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, पहले सेशन में तो कोई क्रिकेट ही नहीं खेला जाएगा। और दोस्तों पहला सेशन लगभग 2.5 घंटे के आसपास होता है, मतलब कि भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे तक कोई क्रिकेट नहीं होगा। अगर टॉस की जानकारी दी जा रही है तो वो भी 5:30 से 6 बजे के बीच में होगा और मुकाबला केवल 2 सेशन तक ही खेला जाएगा। हालांकि दोस्तों बुरी खबर तो यह है कि साउथहैम्पटन के इस मैदान में लगभग 3 से 4 दिनों तक बारिश के ही आसार है, मतलब कि इस पूरे मैच में बारिश खलल डालती रहेगी। ऐसे में साउथहैम्पटन का यह मैदान जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए सिलेक्ट किया गया था उसे आखिरकार बदलकर लॉर्ड्स का मैदान क्यों नहीं किया गया, अब इस पर तो सवाल खड़े हो ही चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ खिलाड़ी तो परेशान हैं ही, साथ ही फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि दोस्तों अगर ये कोई साधारण मैच होता तो समझ भी आता, लेकिन ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। और फिलहाल की ताजा अपडेट तो यही है कि बारिश की वजह से अब मुकाबला भारतीय समय के अनुसार लगभग 5:30 या 6 बजे तक शुरू होगा। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, मुकाबला कितने बजे से शुरू होना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताजा दोस्तों जितनी जल्दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होने वाला है उतना ही जल्दी खतरा मंडरा रहा है इस मुकाबले पर, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि खेल के पहले दिन के खेल में ही बारिश होने के आसार हैं, जिसके चलते पूरे मुकाबले के शुरू होने का समय भी बदल जाएगा। तो आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कितने बजे से शुरू होगा वो तो आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार फाइनल कौन जीतेगा, भारत या न्यूजीलैंड, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के शुरू होने का समय पास आ रहा है वैसे वैसे इसको लेकर उत्साह दोगुना हो चुका है। आपको बता दें कि साउथहैम्पटन के मैदान में फाइनल मुकाबला 3:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन अब वेदर रिपोर्ट्स ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट्स के अनुसार मुकाबला अपने निर्धारित समय रहते शुरू नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आज के दिन यानी कि 17 जून के दिन वहां पर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। आज के दिन भी पूरे मैदान पर बादल मंडराए रहे, कई समय पर बारिश भी होती देखी गई। वेदर रिपोर्ट्स के अनुसार अब साउथहैम्पटन के मैदान पर 18 जून की भी वेदर रिपोर्ट सामने आ चुकी है।
आपको बता दें कि ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला है कि तापमान 18 से भी कम यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। सूरज दिखने का तो नामो निशान ही नहीं है, तो वहीं पूरे मैदान पर हर वक्त बादल ही मंडराते नजर आएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पहले दिन के खेल में बारिश बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, क्योंकि दोनों में से कोई भी टीम नहीं जानते कि पिच किस तरीके से रिएक्ट करेगी अगर मैदान में टॉस से ही पहले बारिश हो जाती है तो। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि अगर टॉस से पहले ही बारिश हो गई तो मुकाबला कितने समय पर शुरू होगा। दोस्तों वेदर रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि 3:30 बजे